नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा द्वितीय भाग है जो आपकी संस्कृत विषय की जो पाठ्यपुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 8 त्रिवर्ण ध्वजन, इस पाठ का बच्चों हमने हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा। और आज की कक्षा में हम पेज नंबर 47 पर जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, उनको समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। यानी कि बच्चों, ये आम मीन्स हाँ और न मीन्स नहीं, यानी कि ये हाँ और ना वाले, यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र के ध्वज में तीन वर्ण है, तीन रंग है। ये सेंटेंस सही है बच्चों, तो हम लिख देंगे आम। नेक्स्ट है, ध्वजे हरित वर्णः शान्ते प्रतीकः अस्ति। ध्वज में जो हरा वर्ण है, हरा रंग है, वो शांति का प्रतीक है। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है बच्चों, इसलिए हम लिख देंगे न। नेक्स्ट है, ध्वजे केशर वर्णः शक्त्या सूचकः अस्ति। ध्वज में जो केशर वर्ण है, केसरिया रंग है, वो शक्ति का सूचक है। तो ये सेंटेंस राइट है बच्चों, तो हम लिख देंगे आम। नेक्स्ट है, चक्रे त्रिंशत अराह संति। चक्र में त्रिंशत में 30, 30 तीलियां हैं क्या? नहीं है, 24 है, चतुर्विंशति है। तो सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। तो लिख देंगे हम न आंसर में। नेक्स्ट है, अंतिम इसका यस टाइप का, चक्रम प्रगति द्योतकम। चक्र प्रगति का द्योतक है। तो ये सेंटेंस राइट है बच्चों, तो हम लिख देंगे आंसर में आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अधो लिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। यानी कि जो नीचे जो पद दिए लिखे गए हैं, उनमें प्रयुक्त होने वाली विभक्ति और वचन को आपको लिखना है। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, यथा करके त्रयाणाम, त्रयाणाम जो पद है उसमें षष्ठी विभक्ति है और वचन कौन सा है? बहुवचन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ पद और दिए गए हैं, उनको हम समझ लेते हैं बच्चों। पहला पद दिया गया है समृद्धि। समृद्धि में बच्चों षष्ठी विभक्ति है और एक वचन कौन सा है? एक वचनम है। नेक्स्ट है वर्णानाम। वर्णानाम में भी षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है ये। नेक्स्ट है उत्साहस्य। उत्साहस्य में बच्चों षष्ठी विभक्ति और एक वचन। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिकई। नागरिकई में तृतीय विभक्ति और बहुवचनम का ये शब्द है। नेक्स्ट है सात्विकतायाः, इसमें भी षष्ठी विभक्ति और एक वचनम है। नेक्स्ट है प्राणानाम। प्राणानाम में बच्चों षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम का ये पद है। नेक्स्ट है बच्चों सभायाम। सभायाम में बच्चों सप्तमी विभक्ति है और वचन कौन सा है? एक वचन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। तो चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे ध्वज में तीन वर्ण है, तो क्या लिख देंगे हम? त्रय है। वन वर्ड टाइप का क्वेश्चन है बच्चों ये। नेक्स्ट है त्रिवर्ण ध्वजे शक्तिया सूचक क वर्ण है। तीन वर्णों वाला जो ध्वज है, तिरंगा झंडा है, उसमें शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है? केसरिया रंग है। तो केसरिया को संस्कृत में बोलते हैं केशर वर्ण है। नेक्स्ट है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। जो अशोक चक्र है वो किसका द्योतक है? वो प्रगति और न्याय का द्योतक है। तो लिख देंगे वन वर्ड में प्रगति न्यायश्च। नेक्स्ट है त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक है। जो त्रिवर्ण ध्वज है, तिरंगा झंडा, वो किसका प्रतीक है? वो स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। तो स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवश्च। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्येन उत्तरत में पहला प्रश्न है हमारा, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णस्य कस्य सूचकः अस्ति। इससे पूर्व वन वर्ड टाइप का क्वेश्चन था बच्चों, और ये एक वाक्य मतलब एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है। तो प्रश्न है, हमारे ध्वज में श्वेत वर्ण किसका सूचक है? ये क्वेश्चन किया गया है संस्कृत में। संस्कृत में हम आंसर लिखेंगे कि अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। हमारा जो ध्वज है, वो ध्वज में जो श्वेत वर्ण है, वो सात्विकता और शुचिता का क्या है? सूचक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, अशोक स्तंभ है कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है? उस अशोक स्तंभ की प्लेस पूछी गई है बच्चों। तो हम लिखेंगे अशोक स्तंभ है सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। नेक्स्ट है बच्चों, त्रिवर्ण ध्वजस्य
उत्तोलनम, उत्तालनम लिखा है बच्चों, उत्तोलनम हो गया, उत्तोलनम कदा होती, त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलनम, तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है, तो मुख्यतः तो तिरंगा झंडा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है, तो हम आंसर लिखेंगे त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम, यहाँ पर भी उत्तोलनम आएगा बच्चों, उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवस ही गणतंत्र दिवस च भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अशोक चक्रे कति अर्हा सन्ति, अशोक चक्र में कितनी तीरियाँ हैं, तो अशोक चक्र में 24 चतुर्विंशति तीरियाँ हैं, तो हम आंसर लिखेंगे अशोक चक्रे चतुर्विंशति अर्हा सन्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरु, जो नीचे जो वाक्य दिया गया उसमें जो अंडरलाइन जो वर्ड है उसको फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन मेकिंग करनी है। ठीक है, तो अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत, हमारा जो तिरंगा झंडा है वो विश्व विजयी होए, है ना, तो ये सेंटेंस है, तो हमारा तिरंगा झंडा कैसा हो, विश्व विजयी कौन हो, सॉरी इसमें क्वेश्चन बनेगा कि हम विश्व विजयी कौन हो, तो हमारा तिरंगा झंडा हो, ठीक है ना, तो ये बन गया इसका आंसर, तो हम विश्व विजयी कौन हो, तो लिखा है अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत, ठीक है, हमारा कौन विजयी हो, बन गया सेंटेंस, क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट है, स्वधर्मात् प्रमादम वयम च कुर्मा कुर्याम है, यहाँ प्रमादम लिखा है, प्रमादम के प्लेस पर जब हम किम लिख देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्रणाम्, एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्रणाम् सद्बुद्धे सत्फलम्। ठीक है, तो यहाँ पर सद्बुद्धे पर अंडरलाइन की गई बच्चों, तो सद्बुद्धे वाले प्लेस पर हम लिखेंगे कई। ठीक है, और इससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्रणाम् कई सत्फलम्। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत, शत्रुणाम, शत्रुणाम के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम, कस्य, कस्य समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत, तो हमारा बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम, उदाहरणानुसारम समुच्चय पदय रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के को फॉलो करते हुए जो एग्जाम्पल दिया गया उसको फॉलो करते हुए उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान को हमें खाली स्थान को फिलअप्स को फिल करना है। ठीक है, तो पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, कि एग्जाम्पल में लिखा है पट्टिका, पट्टिका के साथ में बच्चों विभक्ति कौन सी लिखी है, षष्ठी है, वचन एक वचन में क्या बन रहा है पट्टिकाया, द्विवचन में पट्टिकयो हो और बहुवचन में पट्टिका नाम। ठीक है, तो नेक्स्ट दिया है इन्होंने अग्निशिखा, अग्निशिखा में बच्चों सप्तमी विभक्ति लिख करके दी है और अग्निशिखायाम एक वचन हमें लिख के दिया और हमको पूछा गया है द्विवचन और बहुवचन में क्या बनेगा, तो अग्निशिखा का द्विवचन और बहुवचन में बनेगा बच्चों अग्निशिखयो अग्निशिखासु। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा है सभा। ठीक है, तो सभा में हमको बच्चों इन्होंने चतुर्थी विभक्ति दी है और द्विवचन में सभाभ्याम ये हमको लिख करके दिया है और हमको एक वचन और बहुवचन में क्या बनेगा वो बताना है, तो एक वचन में बनेगा सभायै और बहुवचन में बनेगा सभाभ्य है। नेक्स्ट चलते हैं अहिंसा, अहिंसा में द्वितीय विभक्ति है बच्चों और अहिंसा एक वचन का शब्द है, यहाँ लिख करके पहले से ऑलरेडी प्रिंट है और हमको द्विवचन और बहुवचन लिखना है, तो द्विवचन में बनेगा इसका अहिंसे और बहुवचन में होगा अहिंसा। नेक्स्ट है सफलता, सफलता में बच्चों पंचमी विभक्ति है और हमको इसमें बच्चों द्विवचन तो लिख करके प्रिंट हो किया है सफलताभ्याम, तो हमें एक वचन और बहुवचन फिल करना है, तो एक वचन में बनेगा सफलता का सफलतया और बहुवचन में बनेगा सफलताभ्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों सूचिका, सूचिका में तृतीय विभक्ति है और एक वचन में सूचिकया बना और द्विवचन में होगा सूचिकाभ्याम और बहुवचन में होगा सूचिका भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, यानी कि क्रॉस मैच वाला क्वेश्चन है बच्चों ये, इसमें केशर वर्ण हरित वर्ण अशोक चक्र त्रिवर्ण ध्वज त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरणम। ठीक है, इनसे संबंधित हमको जो विशेषताएं हैं इनसे संबंधित क्रॉस मैच करते हुए हमें मिलाना है। ठीक है, तो आंसर मैं बता देती हूँ आपको, जो केशर वर्ण को मैच करेंगे हम शौर्य से त्याग से सूचक से, नेक्स्ट हरित वर्ण सूक्ष्माया उर्वरताया उर्वरताया जूचक है, नेक्स्ट अशोक चक्रम प्रगति न्याय से च प्रवर्तकम,
नेक्स्ट है त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक है और त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरण 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। ठीक है, तो हम क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन को इस प्रकार हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में बच्चों हमने चैप्टर 8 के सभी अभ्यास प्रश्नों को अर्थ सहित समझा बच्चों। ठीक है, और आपको सुंदर लेखनी में इन क्वेश्चन आंसर्स को राइट करना है, जिस तरह से पीडीएफ में सेंड करूंगी उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम अगले अध्याय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुभम मंगलम।